हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी विदा अली। वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियर विद्स व्लॉग्स। ओके, तो अभी बज रहे हैं रात के 4 और मैंने जो है बनाना है सुबह का नाश्ता रेडी करना है। अभी बस थोड़ी देर में ये नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे मेरे हस्बैंड, और जो है ये बस जो बर्तन रात में मैंने वॉश किए हुए थे ये ऐसे ही रखे हुए हैं। अभी ऐसे मतलब सेट करके रख दूँगी। और ईद में बनाना है पूरी विद दम कीमा। तो दम कीमा मुझे थोड़ी देर के लिए मतलब 2 से 3 घंटे तक मैरिनेट करना होगा। तो ये चले जाएंगे 5 बजे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो आने जब तक ये आएंगे वापस तो मुझे जो है दम कीमे को रेडी रखना पड़ेगा। तो अभी तैयारी करते हैं दम कीमा बनाने के लिए। अच्छा, मैं कैसे बनाती हूँ दम कीमा, उसकी रेसिपी भी जो है ना मैं आज आपसे शेयर करूँगी। दम कीमा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उसमें जो है मेरे पास ये 1 kg कीमा है। 1 kg आप कीमा ले लें। अब हम मसाला रेडी करेंगे अपना। ये सबसे पहले आपने मिक्सी ले लेनी है, उसमें आपने 1.5 टीस्पून जीरा ले लेना है। उसके बाद आपने जो है इसमें चने ऐड करने हैं, भुने हुए चने। फिर आपने साबुत गरम मसाला ले लेना है। साबुत गरम मसाला आप उसमें ऐड करेंगे, जिसमें मेरे पास ये छोटी बड़ी इलायची है, जायफल जावत्री है और लौंग है, काली मिर्च है। इन सब को जो है आपने इसमें अपने मसाले में ऐड कर देना है। और उसके बाद जो है हम ये सारा मसाला पीस लेंगे। तो ये सारे मसाले हमने पीस लिए हैं। अब अभी अभी हम इसको साइड पर रखेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास स्पाइसेस हैं लाइक और जो हमारे अदर स्पाइसेस हैं, पहले हम वो ऐड करेंगे, देन लास्ट में जो है हम ये सारे स्पाइसेस जो हैं वो ऐड करेंगे। मैंने इसमें लिया है तकरीबन 1.5 टीस्पून पीसी लाल मिर्च ली है। उसके बाद इसमें अब हल्दी ऐड करेंगे, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, पीसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, पिसा हुआ धनिया, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेंगे। अब जो ये मसाला हमने पिसा हुआ था इसको ऐड कर लेंगे। लेमन जूस ऐड किया था मैंने इसमें तकरीबन 2 चम्मच के करीब जो है मैंने इसमें लेमन जूस, मतलब मैंने एक छोटा लेमन ले लिया था, ऑलमोस्ट वो 2 चम्मच ही बनते थे, तो एक छोटा सा लेमन मैंने इसमें ऐड किया है। अब यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो यहाँ योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं, बट पर्सनली मुझे नहीं पसंद इतना वो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, बट इस ऑप्शन आप चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। अब इस सब मसालों को जो है अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब मैं इसको रख दूँगी तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके। अभी टाइम मेरे पास कम है तो शायद मैं 1 आवर्स के लिए ही रखूँ। जितना ज़्यादा मैरिनेट करेंगे उतना ज़्यादा ही अच्छा बनेगा। तो अब इसको मैरिनेट करने के लिए मैं रख दूँगी। तो बस अब यहाँ मैं पूरी की तैयारी करने लगी हूँ। इसकी जो वीडियो है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ऐड कर दूँगी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और बस मैंने सुबह के नाश्ते में ये बनाया था, तो मैं सोचा था इसकी वीडियो मैं अलग बना दूँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती, इसी वजह से जो है मेरे चैनल पर पहले ही वो उसे अपलोड कर दिया। अगर आपको चाहिए हो तो आपने लाजमी डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक चेक कर लेनी है। इसकी डो को जो है मैं 2 से 3 घंटे के लिए रख दूँगी। दम कीमा को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 1.5 आवर्स हो चुके हैं, और मैंने पतीली ली है, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया। ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा आपने ऐड करना है क्योंकि ये बहुत ड्राई डिश बनेगी, इसमें वाटर भी हम ऐड नहीं करते। ओके, अगर वाटर अगर आप दही ऐड कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल भी इसमें वाटर ऐड नहीं करना है, क्योंकि मैंने जो है इसमें दही ऐड नहीं किया है, इसी वजह से जो है मैं इसमें थोड़ा सा आधा ग्लास जो है इसमें पानी में ऐड करूँगी। ठीक है, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, देन इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड करना है, देन इसको हम कवर कर देंगे 45 मिनट्स के लिए। 45 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा कीमा जो है 100% बिल्कुल तैयार है, क्योंकि देखिए इसका वाटर बिल्कुल ड्राई हो चुका है, पानी बिल्कुल भी नहीं है इसमें। सो अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिल्ली और हरा धनिया, थोड़ी सी अदरक, ये आप ऐड कर लें एज अ गार्निशिंग। और इसके बाद जो है मैं कोयले का दम दूँगी इसमें।
बस यहाँ कोयले को दम दे दिया है और यहाँ मैंने फटाफट से पूरी रेडी करनी है क्योंकि हस्बैंड आ चुके थे और हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका था। उन्हें भी बहुत भूख लगी हुई थी, बच्चे भी मेरे दोनों उठ चुके थे, तो बस यहाँ मेरी पूरियाँ भी रेडी हैं और हमारा ब्रेकफास्ट भी रेडी है। सो मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। सो फ्रेंड्स, अब मैं बनाने लगी हूँ बिरयानी। तो बिरयानी इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ गेस्ट आने वाले हैं, तो मेरा दम की मतलब रेडी हो ही गया है। तो मैंने सोचा मैं दो डिश और रेडी कर लूँ, तवा बोटी और दूसरी बिरयानी। तो मैं बिरयानी और तवा बोटी दोनों की रेसिपी आपसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। बट आज की अगर वीडियो में मैं शेयर करूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में लाजमी जो है आपसे अपनी रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ बिरयानी की। तो मेरे पास जो मीट है वो बीफ का है और विद बोन है। मैं यहाँ पे सारे होममेड मसाला यूज़ करूँगी इस बिरयानी में। जो है मैंने कोई भी रेडीमेड मसाला यूज़ नहीं किया है, सारे मैंने घर के मसाले यूज़ किए हैं। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप सबसे शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं अपनी यही रेसिपी आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। सो मैंने ये सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर लिए, प्याज वगैरह सब मैंने लाल कर ली थी, सब मैंने इसमें ऐड कर लिए। अब मैंने एक पतीली ली है, उसमें ये सारे मसाले मैंने जो मैरिनेट किए हुए थे को मैंने 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया था। उसके बाद जो है मैंने इसको पकाने के लिए रख दिया था। देन मैं एक और डिश बना रही थी, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया है, तवा बोटी। तो तवा बोटी के लिए भी मेरे पास जो मीट है वो बोनलेस है। उसमें जो है मैंने अपने सारे जो मेरे मसाला है, जो स्पाइसेस हैं, वो सारे मैंने होम मेड ही यूज़ किए हुए हैं। इसकी रेसिपी भी मैं आप सबसे बहुत जल्द शेयर करूँगी अपने चैनल पर। मे बी दिस वीक जो है मैं आप सबसे जो है अपनी ये दोनों रेसिपी शेयर कर लूँ। बस अब मैं सबको मिक्स करके मैरिनेट करके हाफ आवर के लिए मैं ये रख दूँगी। इसकी रेसिपी भी शायद बहुत जल्द शेयर करूँगी। और अब मैंने जो चावल रखे हुए थे वो मेरे को खो चुके थे, तो अब बस मुझे बिरयानी में तह ही देनी थी। बिरयानी को मैंने दम पे रख दिया था 20 मिनट्स के लिए और जो है मेरी तवा बोटी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट थी। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, जब पहले सब मसाला मैरिनेट किया हुआ था उसको मैं ऐसे तवे में डाल दिया था, क्योंकि पानी इसमें डालना नहीं होता। जो हमारा दही होता है उसी से ही, दही जो हमने इसमें डाला होता है उसी से ही बनता है। ऑयल हम पहले ही ऐड कर देते हैं, अगर ऑयल नहीं भी ऐड किया होता ऊपर से ऐड कर सकते हैं। और ये बिरयानी मेरी दम पर आ चुकी थी, 20 मिनट हो चुके थे, तवा बोटी भी रेडी थी और बिरयानी भी। तो एक्चुअली मैंने जो डिशेस बनाई थी वो ड्राई डिशेस में आती हैं, तो उसके लिए तंदूर की रोटी तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं थी। तो इसीलिए मैंने कहा मैं घर में ही पराठे बना लूँगी। तो यही उसी वजह से मैं जो है ये पराठे बना रही थी कि तवा बोटी भी ड्राई थी और दम कीमा भी ड्राई था। तो जो है इसी वजह से मैंने ये रोटी बनाई और बिरयानी भी रेडी हो चुकी है हमारी। गेस्ट आ चुके थे तो बस अब लंच का ही टाइम हो चुका था, तो लंच सर्व करने लगे थे। मैं भी रेडी हो गई थी इसी बीच में, तो अभी लंच करते हैं। हम सब ने लंच कर लिया था, तो अब टाइम था हमारा चाय का। टी टाइम हो चुका था, बस सबके लिए मैं चाय बना रही थी। तो साथ साथ मैंने बर्तन धो लिए थे। मुझे अच्छा नहीं लगता कि घर में कोई गेस्ट आएगा, और वैसे भी मुझे नहीं पसंद बर्तनों का ढेर। तो और जब गेस्ट आया हुआ हो तो बिल्कुल भी नहीं पसंद कि अगर वो किचन में आ रहा हो आपको फैला हुआ किचन दिखे। तो मैंने काफ़ी सारे बर्तन धो लिए थे, और मोस्टली होता है इस तरह कि मैं कुकिंग कर रही होती हूँ तो मैं साथ साथ जो है अपने बर्तन जो है वो वॉश कर रही होती हूँ। तो कुछ बर्तन तो वॉश हो गए थे, बट लास्ट में भी कुछ थोड़े से रह गए थे। तो मैंने कहा कि मैं उसको साथ ही साथ वॉश करें, क्योंकि मैं किचन में ही थी, चाय का उबलने का वेट कर रही थी, तो फ़ायदा नहीं था फ्री बैठने का। और जितनी बातें वो मेरे बच्चे को भी कंपनी दे रही थी, मैं सोच रही थी कि बस जाके बैठूँ, लेकिन वो खुद भी समझ रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ इस टाइम पे।
बहरहाल शी इज़ वेरी स्वीट। वो मुझसे कह भी रहे थे कि मैं वॉश कर लेती हूँ, बट मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कोई भी गेस्ट आया हुआ है घर के घर में और मैं उनसे ही वॉश करवाने बैठ जाऊँ बर्तन। बहरहाल वो जो है मेरे बच्चों को कंपनी दे रही थी, तो और मैं यहाँ चाय का उबलने का वेट कर रही थी, फ्री थी, तो मैंने कहा थोड़े से बर्तन रह गए मैं उसको भी धो के फ्री हो जाऊँ ताकि मैं सुकून से उनके साथ बैठ सकूँ। तो बस इसी को देखते हुए जो है मैंने सबसे जल्दी जल्दी से बर्तन धोने शुरू कर दिए। वेल, जब मैं चाय बना रही थी तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं भी चाय पीऊँगी, बट आफ्टर सम टाइम आई थिंक वॉश करते करते ही बर्तन मेरा बिल्कुल दिल नहीं किया कि मैं चाय भी पीऊँ। आई थिंक मैं बहुत फुल हो चुकी थी, मैंने अच्छे से खा लिया था। अब मैंने इन तीनों को ही चाय दे दी थी, फिर हम चाय इन्होंने चाय पी, साथ साथ बातें भी की। वेल, देन इनके घर जाने का टाइम हो गया था तो ये लोग घर जा रहे थे। मुझसे पूछ रही थी आप रेसिपी कब अपलोड करोगे बिरयानी की, इनको मेरी बिरयानी बहुत पसंद आई थी और मेरे बच्चे रोक रहे थे चाचा चाची को कि आप ना जाएं, और मैं इनको बाय बाय करने लगी हूँ बस अभी, और मेरे बच्चे कह रहे थे कि आप रुक जाएं, बट जाना तो होता है मेहमान ने। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप चैनल पर न्यू हैं, और शेयर ज़रूर किया करें फैमिली फ्रेंड्स में। मिलती हूँ मैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।